एक बार जो है मनमोहन सिंह के खिलाफ जब 22 दलों का गठबंधन बना उस समय लगा कि मोहन जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उस समय यही भाजपा यही कांग्रेस के लोग आपस में मिल के खरीदाए और बिकाए और मोहन जी का खेला समाप्त। शेखर तो ठीक वही है जैसे जगजीवन राम को लाया गया बाबा साहब के खिलाफ, वैसे ही चंद्रशेखर को पैदा किया जा रहा है मायावती के खिलाफ, इसलिए हम लोग उसको स्वीकार नहीं करते। चंद्रशेखर आवे लेकिन चंद्रशेखर औकात में रहे तब तो। औकात में नहीं है वो, बहन जी को गाली कहाँ देता है, बहन जी को हमेशा सम्मानजनक। औकात में इसलिए नहीं है, 2024 का लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है, तमाम पार्टियां जो है दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। इधर बहुजन समाज पार्टी भी जो है भारत के 28 राज्यों में बिना किसी पार्टी के अलायंस के वगैरह जो है चुनाव लड़ रही है। और चुनावी चर्चा में हमारी अभी मौजूदगी जो है बिहार के कैमूर जिला में पहुँची है, और देखिए कि तमाम जो कैमरे में आपको शख्स देख रहे हैं समाज के काफ़ी जो है ये वरिष्ठ BSP के कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों से परिचय लेंगे, उसके बाद अलायंस पर सवाल होगा। परिचय क्या हुआ सर? मैं डॉक्टर जगनारायण राम, मैं पूर्व जिला के प्रभारी रोहतास के रहने वाला हूँ। आपका परिचय? मेरा नाम रंगला राम, जलालपुर पंचायत का मुखिया भूतपुर। आपका सर? मेरा नाम विजय कुमार राम, मैं पूर्व मुखिया हूँ रामपुर प्रखंड के पसाई पंचायत का और पूर्व जिला अध्यक्ष भी। BSP जो है लगातार बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो कह रही है कि हम बिना अलायंस के चुनाव लड़ेंगे, बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे, तो क्या ये BSP के फायदे में रहेगा? एकदम फायदे में होगा ना, क्योंकि हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है और जिससे हम गठबंधन करते हैं वो हमको ट्रांसफर नहीं कर पाती है, जिसके वजह से हमारा लॉस हो जाती है। इसे बहन जी का बढ़िया है, पूरे देश भर में जो है NDA एक तरफ है और इंडिया अलायंस एक तरफ है, तो बहन जी अकेले चुनाव लड़कर जीत जाएंगी? यह बहुत बढ़िया से जीतेंगी, क्योंकि वोट तो हमारे पास है, उन लोगों का सिर्फ गिनती के लिए है। वोट हमारे पास है, इसलिए वोट के बदौलत आदमी जीतता है, पार्टी के गिनती से नहीं होता है, जिसके पास ज्यादा वोट होता है वही चुनाव जीतता है। लेकिन वोट कहाँ है? विधानसभा का चुनाव हुआ तो 403 विधानसभा सीट में एक सीट आई है। ये मीडिया वालों के गलती से हुआ है, जो एक नंबर के पार्टी थी उसको 2 नंबर 3 नंबर दिखाया और जो 3 नंबर के था उसको 1 नंबर दिखाया, ये मीडिया वालों के गलत। मीडिया वाला कैसे सर, वोट पड़ेगा तभी ना सीट निकलेगी? नहीं नहीं, मीडिया वाला बढ़ गए ना हमारे, मीडिया वाला सारे मीडिया जो भी भाजपा के लोग हैं, गोदी मीडिया। हाँ गोदी मीडिया। अच्छा। वो लोग हमारे कार्यकर्ताओं को और वोटर को बरगला दिए, जिससे उन लोगों को नहीं समझ पाया। अच्छा। और वोट में इधर उधर हो गया और कुछ EVM के वजह से भी हो रहा है, हमारे वोट को EVM के द्वारा इधर से उधर किया जाता है। अच्छा। EVM बंद होना चाहिए, बैलेट पेपर आना चाहिए, तब हमारी सरकार बनेगी, श्योर बनेगी। जमाना डिजिटल हो गया, पुराने समय के आप बैलेट पेपर का डिजिटल की जमाना छोड़िए ना, अमेरिका से भी ज्यादा डिजिटल हो गया, चाइना से भी ज्यादा हो गया है, डिजिटल की बात करते हैं। ये डिजिटल की आप लोग झुटिया के हम लोग बदनाम करना चाहते हैं कि डिजिटल से ऐसा होता है, बैलेट से होना चाहिए। हाँ बैलेट से होना चाहिए। बहन जी को थर्ड फ्रंट भी तो बनाना चाहिए ना सर? बहन जी अकेले रहेंगी, थर्ड की कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट रहेंगी बहन जी। हाँ सेकंड थर्ड की बात नहीं है, फर्स्ट होगा बहन जी का, प्रधानमंत्री बन जाएंगे? हाँ एकदम अवश्य बनेंगे। तो प्रधानमंत्री सांसद से ना बनते हैं जी? अरे तो वोट देंगे तो सांसद जीत के जाएंगे तो ना बहन जी बनेंगे। अच्छा। हम लोग वोट देंगे सांसद को और जीत के जाएंगे, बहन जी को सपोर्ट करेंगे, बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 24 में खेला होगा? एकदम होगा, अवश्य होगा। क्या कहिएगा सर, गठबंधन होना चाहिए बहन जी का किसी पार्टी के साथ? देखिए गठबंधन तो हम लोग कभी भी चाहते हैं कि कोई पार्टियां हम लोग को नहीं चाहता है, अगर कोई भी जाति है, बहुत कम ऐसा जातियां हैं कि हम लोग चमार बिरादरी को वोट लेना खाली जानता है, देना नहीं जानता है। इसलिए हम लोग जितने से हम लोग चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी जो है बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री एकदम बनाना होगा, इसलिए हम लोग वोट देकर और दूसरे के वोट लेते हुए और सारे लोग को जैसे वोट तोड़ते हैं हम लोग, उसी तरह तोड़कर अब हम लोग को तोड़ना के काम करेंगे, इसलिए कि तोड़कर उनको वोट दिलवाने के लिए दिवा कर वोट उनको हम लोग प्रधानमंत्री को सीट भेजने का काम करेंगे, और हमारे जो भाई जो संसद साहब हैं उनको हम लोग भभुआ और रोहतास से दोनों जिला से हम लोग इतना वोट सोच रहे हैं कि हर पंचायतों से दिलवाएं कि उनका विजयी होकर जाए मोहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के वो काम करें। सांसद प्रत्याशी कौन है सासाराम का? सासाराम पर संसद प्रत्याशी संतोष भाई हमारे यहाँ भभुआ जिला के हैं। ये पंचायत कौन सा है उनका? नौवा झूठी है, उनकी गांव नौवा झूठी है, मगर हम लोग उनको भाई को नया चेहरा है अभी हम लोग ऐसा
तो नया चेहरा में कोई नहीं आया था कि संसदीय चुनाव लड़े, मगर हम लोग ये जरूर चाहेंगे कि इनको सारे नौजवान और हमारे जितने माताओं बहनों हैं इस क्षेत्र दोनों क्षेत्र से, अगर हमारे लोग और अन्य लोग के भी जो हमारे मान लीजिए मुस्लिम बिरादरी हैं और खरवार हैं, इन लोग जितने पिछड़े के लोग हैं आते हैं, उनको वो लोग को हम लोग को समझा कर वोट दिलवाने के काम करना है। तब पिछड़ा हो गया चाहे मुस्लिम हो गया वोट तबे ना देगा जब अलायंस होगा गठबंधन होगा। अलायंस हम लोग तो चाहते थे कि बहन मायावती जी को अलायंस में माने हो, मगर कोई पार्टियां तो उनको नहीं ना चाह रही है कि नहीं। अब तो इंडिया गठबंधन बुला रहा है बहन जी को, बहन जी नहीं जा रही है। नहीं 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 नहीं, वो तो अपना इंडिया गठबंधन कहाँ बुला रही है, जो कि प्रधानमंत्री को उनको सीटें नहीं देने के लोग छोड़ रहे हैं तो कहाँ से पार्टी में ज्वाइन करवाएंगे। अकेले ही ठीक है, अकेले ही ठीक है। चलिए देखिए बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, क्या कहिएगा, बहन जी को गठबंधन करना चाहिए सर? बहन जी ने अपने जन्मदिन पर साफ कर दिया है कि जब जब मैं गठबंधन करता हूँ हमारी जितनी की उतनी सीटें रह जाती है। 2007 में बिना गठबंधन का मैंने फूल फले सरकार बनाया, इसलिए कि मैं दलित समाज के अध्यक्ष हूँ और खासकर अपर कास्ट विरोध रखते हैं, तो हम जब भी गठबंधन बनाते हैं तो हमारे वोटों को ले लेते हैं, अपना वोट ट्रांसफर नहीं करते हैं। जब यूपी में मान लीजिए अखिलेश यादव से गठबंधन हुआ बहन जी को उम्मीद था कि कम से कम 30 सीट पर सपा जीतेगा और हम 20-25 जीतेंगे, लेकिन हो गया उल्टा, हम जीते 10 पर अब हो गया 5 पर। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफर नहीं हुआ, वोट ट्रांसफर नहीं हुआ और वोट जो है भाजपा के साथ चला गया। एक बार जो है मनमोहन सिंह के खिलाफ जब 22 दलों का गठबंधन बना उस समय लगा कि बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उस समय यही भाजपा यही कांग्रेस के लोग आपस में मिल के खरीदाए और बिकाए और बहन जी का खेला समाप्त कर दिया। इसलिए बहन जी अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती हैं और जहां तक आप लोग कहते हैं कि वोट शेयर घट रहा है, तो बहन जी ने अपने जन्मदिन पर साफ कहा कि यह जो घटने ईवीएम का खेला है और ईवीएम में सुधार हो सकता है, बदला जा सकता है और हम उसी भी स्थिति में आ सकते हैं, तो हम मैं पूर्व मुखिया रहा हूँ, पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ और हम लोग मनोज कुमार को भी लड़ाए थे, यहाँ मदन राम जो एक साधारण कार्यकर्ता उसको भी 90,000 वोट दिया गया, गांधी आजाद को भी दिया गया और इस बार हमारी चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी है। एक सवाल ले लीजिए सर, चुनाव है बहन जी गठबंधन नहीं कर रही हैं, लेकिन बहुजन समाज का एक युवा है जिनका नाम चंद्रशेखर रावण है, लोग कह रहे हैं कि बहन जी को गठबंधन कर लेना चाहिए, दोनों को साथ में आना चाहिए, क्या कहिए? बहन जी ने साफ कहा है कि चुनाव में मेरा गठबंधन नहीं होगा और चुनाव बाद हम गठबंधन से इनकार नहीं करते हैं। तो जब चुनाव बीत जाएगा तब फिर गठबंधन का मायने क्या है? बात सरकार बनाने में हम गठबंधन करेंगे, इसलिए हम लोग कहीं से भ्रम में नहीं है और ये गठबंधन की बात करके कभी कांग्रेस कभी चंद्रशेखर कभी लालू ये जो है भ्रम में डालते हैं। चंद्रशेखर कैसा नेता? चंद्रशेखर तो ठीक वही है जैसे जगजीवन राम को लाया गया बाबा साहब के खिलाफ, वैसे ही चंद्रशेखर को पैदा किया जा रहा है मायावती के खिलाफ, इसलिए हम लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। उसके कार्यकर्ता भी कहते हैं कि उसकी भीड़ तो हम लोग जुटा देते हैं लेकिन वोट करेंगे बसपा को ही, तो हम लोग आश्वस्त हैं। जबकि आप देखिएगा पिछले चुनाव में बोला था चंद्रशेखर की 13% मैं वोट ला रहा हूँ और अभी 24 में बोल रहा है बहन जी बुलाएंगी तो मैं जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, अलायंस के लिए तैयार है। हाँ तैयार है, तो यह स्पष्ट होती बात है चंद्रशेखर आवे, लेकिन चंद्रशेखर औकात में रहे तब तो। औकात में नहीं है वो, बहन जी को गाली कहाँ देते हैं, बहन जी को हमेशा सम्मानजनक। औकात में इसलिए नहीं है कि जब चंद्रशेखर ने 25 राज्य में आंदोलन किया उस समय औकात का पता उसका चल जाता, अब बहन जी ने साफ ऐलान किया कि झंडा पताका लेके उतर जाओ तब छात्रों की जान बची और सारे लोग मुकदमा फंसे, बहन जी ने दबाव डाला और इसके बाद समझ रहा है कि हम नेता बन गए। मतलब चंद्रशेखर फंसाने का काम किया, बहन जी बचाने का काम, बचाने का किया, सीधा बात। हाँ यही बात, बहन जी बिना गठबंधन का चुनाव लड़ रही तो सही फैसला है, सही फैसला है, उसमें गलत बात नहीं। देखिए तमाम जो है बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर समर्थक आए हुए हैं और सभी लोगों का कहना है कि बहन जी जो है जो ऐलान किए हैं कि बिना किसी अलायंस के साथ 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है
वो लड़ेंगी, वो बहन जी का सही फैसला है। फिलहाल इन तमाम लोगों की राय को आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।